सेक्टर 2 वार्ड 56 के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जय ललिता का कहना है कि इस क्षेत्र में विकास की चाह को लेकर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। लगातार मिल रहे जनसमर्थन से वे अपने जीत के प्रति आश्वस्त है। पूर्व पार्षद व वर्तमान पार्षद प्रत्याशी जय ललिता के पति जय श्रीनिवास का कहना है कि इस वार्ड में उद्यान बनाने का प्रस्ताव निगम सरकार के समक्ष रखा गया था, किंतु राजनीतिक बैर भाव की वजह से उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। उन्होंने कहा कि हम इस वार्ड को अपना घर व वार्ड वासियों को अपना परिवार मानते रहे हैं। अब हमारी सरकार बनने के बाद उन सभी लंबित योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा। अपने जनसंपर्क के दौरान अपनी महिला समर्थकों के साथ जनसंपर्क में वे जुट गई हैं। उन्हें व्यापक जनसमर्थन भी मिल रहा है। आज का कार्यक्रम किस लिए और क्यों रखा गया? नमस्कार, मैं जय श्रीनिवास राव, पूर्व पार्षद। आज का कार्यक्रम ये था, शहीदों के लिए नमन का कार्यक्रम था, वीर सपूतों के लिए रावत जी की आत्मा शांति के लिए हम लोग ने यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला और एक देशभक्ति की भावना का सारे लोग को एक साथ निकाल के पूरे वार्डवासी आज कैंडल मार्च निकाले। और आज के कार्यक्रम में हमारे आदरणीय मनीष भी आए और उनका मार्गदर्शन मिला कि कैसे हमें लोगों के बीच में जाना है, जनता के बीच में। और इस 3 साल में जो कांग्रेस सरकार ने जो भ्रष्टाचार जो किया उनके खिलाफ हमको लोगों के बीच में जाके बताना है। और हमारी पूरी टीम के साथ उनका आशीर्वाद सहयोग प्राप्त हुआ, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस बार मेरी धर्मपत्नी जय ललिता चुनाव लड़ रही है और मैं लोगों से अपील करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आपका आशीर्वाद हमें सदा मिलता है और सदा मिलता रहे। और इसी के साथ हम लोग के घर घर जा रहे हैं कि हमारे चुनाव मुद्दे को लेके। और इन 3 वर्षों में जो हमें जो शासन प्रशासन ने जितना परेशान किया वो हम लोग बीच में रख रहे हैं कि हमारे वर्कआउट होने के बाद भी काम रोका गया, तो बहुत ही हमें दुख का सामना करना पड़ा। लेकिन जनता जान रही है और जनता के बीच हम लोग वही जा रहे हैं कि बताने के लिए कि आपका आशीर्वाद मिले। जो रुके हुए कार्य हैं हम बिल्कुल पूरा करने का प्रयास करेंगे, हम ये आपसे वादा करते हैं।